लखनऊ के अंदर जो है डिफेंस का इतना बड़ा बजट आया, कानपुर के अंदर ऑर्डिनरी फैक्ट्री बनी है, बिहार को क्या मिला बाबा जी का ठुल्लू? जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री तो लल्ली पॉप थमाने का काम किया। हाँ, खटाखट के चक्कर में जनता गुमराह हो गया कि आज तक बिहार को क्या गृह मंत्रालय मिला, फाइनेंस मिनिस्ट्री आज तक के बिहार के इतिहास में कभी मिला? झुंझुंडा भी लगते रहे अभी कि हम अभी सत्ता में आएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बजट पे लोकसभा में बोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि देश के मिडिल क्लास को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। जो मिडिल क्लास मोदी जी के लिए कोरोना में थाली बजाई, फोन की लाइट जलाई, उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। और आज हम जनता से जानेंगे कि क्या इस बजट में सचमुच मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया गया है, बिहार को क्या कुछ मिला है, राहुल गांधी की बातें जो है वो कितनी सच है, आज हम सीधा जनता से जानेंगे। तो बताइए, राहुल गांधी की बातें कितनी सच है कि कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया गया इस बजट में? राहुल गांधी एकदम सरासरी गलत बयान देते हैं। गलत बोल रहे हैं, गलत ना बोल रहे हैं तो किस आधार पर बोलते हैं कि मिडिल क्लास को नहीं मिला है? कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास कोरोना में थाली बजाया, हाँ, उसको कुछ नहीं मिला। आयुष्मान भारत योजना का बड़ा आदमी के लिए है। अच्छा। अन्य गरीब कल्याण योजना बड़ा आदमी के लिए है। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा आदमी के लिए है। मैंने इतना बड़ा नेटवर्क एक्सप्रेस वे बनाया, बड़े लोग के लिए है। कह रहे हैं कि सिर्फ हलवा मिला। क्या हलवा मिला? अरे हलवा उनको मिला है, उनको मिला है, इनको क्या? झुंझुंडा भी लगते रहे अभी कि हम अभी सत्ता में आएंगे, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए, मिडिल क्लास का आयुष्मान कार्ड हो गया, आपका मिलता है, इंदिरा आवास मिलता है, ये हर चीज़ मिलता है, अभी मिल रहा है। राहुल गांधी के बात में कोई दम नहीं रहा, कोई दम नहीं। वो नेता प्रतिपक्ष है, नेता में है, ऐसे विपक्ष मजबूत है। हाँ। लेकिन तो भी मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो भी कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया। मोदी जी किए, हाँ, तो देश सुरक्षित, तो जनता सुरक्षित है। हाँ। देश पहले देश है, उसके बाद जनता है। अच्छा। तो मोदी जी में देश सुरक्षित है और जनता सुरक्षित है, उनमें कोई दोहराए, दोनों सुरक्षित है। चलिए, बढ़िया। और भी कुछ लोग है, बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास कोरोना में थाली बजाया, उसको मोदी जी ने बजट में कुछ नहीं दिया। ये कौन बोला? राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी। ये है कौन? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। मेरा बाबा का भी नाम है राहुल। क्या बात कर रहे हैं? इसलिए हमको लगा मेरे बाबा बोलेंगे बात। राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं। सिर्फ ओनली मोदी, इसके सिवा हम राहुल गांधी का नाम ही नहीं सुने। कौन है ये मोदी? कौन है राहुल गांधी? कहाँ का है? क्या है? क्या कुछ नहीं जानते हैं? विपक्ष में है। अरे क्या है विपक्ष में? क्या है वो? कुछ नेता नहीं, प्रतिपक्ष है। नेता हिले नहीं है। नेता आप लोग कह के और उसका मनोबल बढ़ाते हैं, वो नेता हिले नहीं है। नेता कौन है? राहुल गांधी नेता है? ना बोलने का लूर है, ना चलने का लूर है। क्या है वो? कुछ नहीं। वो है क्या? लोटा है। नेता नहीं, वो लोटा है। लोटा, हाँ, एक लोटा होता है ना, पानी भर दो रख दो, खाली हुआ तो ढीमला जाएगा, वही हाल है बस उसका, और कुछ नहीं। मेरा बात बताइएगा कि बजट में क्या मिला मिडिल क्लास को? सबको सब कुछ मिला है, सबको सब कुछ मिलेगा। हाँ, पूरा खुश है। हाँ, पूरा खुश है। आप बताइए, पूछ रहे हैं कि बजट क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिडिल क्लास जो कि मोदी जी के लिए थाली बजाया, उसको कुछ नहीं। बाबा, इनके बाबा का नाम राहुल गांधी है। हाँ। तो ये अपने बाबा से राहुल गांधी को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी क्या चीज है? राहुल गांधी से अच्छा मेरे बाबा है। तो क्या बात कर रहे हैं? देखिए, असल बात ये है, जाहिल लोग, ठीक है, ये है जाहिल लोग, ये राहुल गांधी के बारे में नहीं जानते। हाँ। वो कुछ भी है, एक अच्छे पोस्ट पे है, इनसे तो बहुत बढ़िया है। और उनके पास जो एजुकेशन है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है। एजुकेशन की बात हो रही है, नहीं आप सदन में आप उनसे बात करने के लिए, भाई मोदी जी को तो इलेक्शन के टाइम में बोले थे ना कि सर आप हमसे दो मिनट डिबेट कर लो। हाँ। वो मोदी जी उनसे पीछे हट गए। मैम, पीछे आपके सामने वो रिपोर्ट है, राहुल गांधी खुले मंच पे उसको चैलेंज किए थे। हाँ। आइए सर, आपके साथ हम दो बार बात करना चाहते हैं, तो मोदी जी तो पीछे हट गए। हाँ। भाई, एजुकेटेड वाले पर्सन में और जाहिल लोग में बहुत अंतर है। अच्छा, एक हमको बात बताइएगा, इस जो बजट से क्या राहुल गांधी सच बोले कि मिडिल क्लास को हलवा दिया गया बस? अरे मैम, ये बजट सिर्फ पूंजीपति लोग के लिए है, हम गरीब लोग, हम गरीब जनता के लिए नहीं है। मतलब, ना मिडिल क्लास के लिए है, ना गरीब के लिए। मतलब राहुल गांधी जो अडानी और अंबानी का नाम लेते हैं वो ठीक है,
ऑब्वियसली बात है, देख लीजिए ना, जो जो 67वें नंबर पे थी वो अभी पूंजीपति, अब वो दूसरे तीसरे नंबर पे है, अब बताओ तो वो कहाँ। जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से पहले उसका बीजेपी का कितने ऑफिस थी, बीजेपी कितना गरीब पार्टी थी, अभी देखिए दुनिया का सबसे अमीर पार्टी बन चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम, और जो भी मिडिल क्लास जो अंधभक्त होगा वही बोलेगा कि नहीं मिला है। और जो मिडिल क्लास राहुल गांधी जी बोले, मोदी जी सामने नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी आज भी राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं, आज भी डिबेट कर ले बजट पे, टैक्स पे, कुछ पे भी डिबेट कर ले बीजेपी वाले मंत्री सारे, आज टैक्स बजट कुछ भी सब बेकार है। टैक्स समझ रहे, आज मिडिल क्लास जो 20-30 हज़ार महीना कमा रहा है उसको भी अब टैक्स भर रहा है। ठीक है, टैक्स भरना खुश है, जो भी खाने से लेके पीने तक सामान खरीदते हैं, आप एक टॉफी खरीदते हैं उस पे भी आप टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए क्या व्यवस्था है हमारे लिए, क्या हमारे सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है, क्या हमारे स्कूल का व्यवस्था है। तो टैक्स हर चीज पर देने के बाद उसके बाद हम कमाई से भी देते हैं। अब मिडिल क्लास फैमिली वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन देश छोड़ से भाग रहे हैं, कितने हजारों लोग देश छोड़ के भाग गए इस टैक्स के। हम टैक्स दे रहे हैं, कोई बुरा बात नहीं, टैक्स आप हमसे लीजिए, लेकिन आप हमें उस हिसाब से सुविधा भी तो दीजिए। तो कहाँ सुविधा दे रहे हैं, पूरा पैसा लेकर हम अपना पार्टी अमीर कर रहे हैं। उस हिसाब से पैसा दीजिए, आप बताइए, राहुल गांधी बोले हैं कि मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ हलवा दिया गया, बात सच है? राहुल गांधी ने जब सदन स्टार्ट हुआ, राहुल गांधी के प्रश्नों का उत्तर ना प्रधानमंत्री दे सके, ना उनके मंत्रिमंडल में जो भी शामिल हैं। जब बजट पेश हुआ तो वित्त मंत्री तो लल्ली पॉप थमाने का काम किया है, तो इस हिसाब से ना शिक्षा पर गंभीरता ली गई, ना बेरोजगारी पर, ना महंगाई कैसे कम हो इस पर तक बात नहीं होगा। पेपर लिख हुआ है इस पर राहुल गांधी प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं भारत सरकार, तो बेरोजगारी का आलम किस तरह से देख रही हैं। अच्छा, बिहार को जो है 58,900 करोड़ मिला है, तो ये 58,900 करोड़ रुपया जो मंत्रिमंडल में शामिल है कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, करोड़ जो मिला है, ठीक है, बहुत खुशी हुआ जो मिला है, हमें बहुत खुशी हुई। चलिए ठीक है, कॉलेज के लिए, रोड के लिए, हमारे बिहार में ठीक ठाक कॉलेज भी कुछ है, ठीक ठाक रोड भी कुछ है, ठीक ठाक हॉस्पिटल भी है, लेकिन जिन मुद्दों से नीतीश जी 2005 से लेकर 2024 तक है बिहार में, पलायन, बेरोजगारी की वजह से, उस क्या जो बजट अथी मिला 58,000 करोड़, क्या बिहार में उससे फैक्ट्री आएगी? अभी रक्षाबंधन के पर्व आने वाला है, सारे नेता मंत्री के बेटा अपने बहन से राखी बनवाएगी, क्या बिहार को गरीब भाई लोग जो बिहार से बाहर काम करते हैं वो मनाएगा? कहने के लिए हमारे बिहार का छठ पर्व बहुत महान होता है, बस उसके लिए होता है जो अमीर है, जो जिसके लिए बजट मिला अमीरों के लिए, उनके लिए होता है, गरीब के लिए नहीं, वो तो बाहर है, क्या छठ पर्व मनाएगा? तो मेन जो ही था, हमको फैट्रिक विशेष राज्य का दर्जा आता, फैट्रिक था, वही नीतीश और तेजस्वी जब साथ में था ना मैम, 20 दिसंबर 2023 को आपके चैनल पे ही देखे थे, 50,000 करोड़ कंपनी का इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुआ था बिहार में नीतीश और तेजस्वी के साथ में, नीतीश जी पलटी मार दिए, वो कहाँ कंपनी आया है आप बताइए, इधर है, क्या बोल रहे हैं? कह रहे 58 में तो 8 करोड़ तो उसका नेता ही मंत्री खा जाएगा। बात बोल दिए राहुल गांधी, बोले हैं कि हलवा दिया गया है मिडिल क्लास को, कोरोना में मिडिल क्लास थाली बजाया, लाइट जलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला, सही है? सही में कुछ नहीं मिला है, और पढ़ लिख करके जो है युवा जो रोड पे घूम रहा है उसको जो है नौकरी मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। तो बिहार को इस बार बजट में 58,900 करोड़ 58,900 करोड़ मिला है ना, उनका जो आधा ही रहेगा, बिहार को नहीं मिला, इधर आइए, बिहार को नहीं मिला है, अपनी सरकार को बचाने के लिए बिहार को दिया गया, अपनी सरकार को बचा रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं, 10 साल पहले क्या नहीं दिए बिहार को, जब 39 सांसद, 32 सांसद, 33 सांसद झाल बजा रहे थे, क्या झाल बजा रहे थे? आज सरकार खतरा में है, नीतीश राहुल गांधी कह रहे हैं कि हलवा दिया गया है मिडिल क्लास को, इस देश के मिडिल क्लास को हलवा दिया गया है बजट में। राहुल को जो बोल सकता है उसके बारे में क्या बोलते हैं? राहुल आदमी है, गिनती में है वो, गिनती में है वो, क्या मिला? हलवा ही मिला है, अच्छा आप बताइए क्या मैं? आपको पता है कितने करोड़ का, कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया इंडिया में? उसमें से 38 लाख करोड़ रुपया आम आदमी से टैक्स के तौर पे लिया जाएगा। जी जी, ये बात तो है कि आप एक टॉफी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स देते हैं, भले ही आप इनकम टैक्स ना भरें। और आम आदमी को कोई रियायत नहीं, कॉरपोरेट को रियायत कैसे दे सकते? और दूसरा, 36 स्टेट है ना हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, है ना, वो सारा मिला के, सब मिला के, तो एक बात बताइए मैम, क्या 2 स्टेट को देखेंगे आप, बाकी 36 34 को नहीं देखेंगे?
जब बिहार को देना था तो पहले क्यों नहीं दिए? आज आपकी सरकार खतरा में है तो बिहार याद आ रहा है। सरकार खतरा में है तो बिहार ही याद आए नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी के बाद कितनी सच्चाई है। सीधे समझ लीजिए, 400 वाला कुर्सी बीजेपी बेचने चला था, अच्छा, अंत होते होते 240 में बेच के गया और मैं घर लेके गया। बार्गेनिंग पावर इतना कम हो गया। और जब मैं घर लेके गया तो पता चला कि दो टांग टूटा हुआ। क्या बात कर रहे, 400 की कुर्सी 240 में और टांग भी टूटा, दो टांग टूटा हुआ। तो एक तरफ नीतीश जी को लगाया गया और एक बार चंद्रबाबू नायडू को लगाया गया, तब जाके वो कुर्सी खड़ी हुई जिसमें मोदी जी बैठे हुए हैं। तो डर तो उनके मन में है कि अगर एक भी पहिया या एक भी डंडा खसका, हाँ, तो समझ ही रहे हैं आप, ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, लड़खड़ा जाएगा। कौन बोलता है कि मिडिल क्लास ने थाली बजाया है? मिडिल क्लास जो कोरोना में थाली बजवाए थे नरेंद्र मोदी, उनको इस बजट में सिर्फ हलवा दिया गया। वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा ऐसा मिडिल क्लास, क्या अमिताभ बच्चन मिडिल क्लास से आते हैं? ऐश्वर्या राय मिडिल क्लास आती है? सब लोग बजाया था, उनका आदेश सबको पालन किया था। हाँ, इसे मिडिल क्लास कहाँ से अब आया? अच्छा, ये राहुल गांधी का संतुलन खो बैठे हैं, संतुलन खो दिए, खो बैठे हैं, इनका कुछ नजर नहीं आता है। नेता या ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे लिए काफी है नरेंद्र मोदी, वही चाहिए। हाँ, काफी है, अकेले। तो नेता प्रतिपक्ष में आप किसको देखें? देखिए, हम मोदी के अलावा किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, जैसे इटली से आए थे उसी वापस चले जाइए, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है। इटली से जैसे वापस आए थे वैसे ही चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो मिडिल क्लास कोरोना में उनके लिए थाली बजाया उसे सिर्फ हलवा दिया गया। इसके विषय में तो हम नहीं बता पाएंगे, हम लोग थाली न बजाए न हलवा खाए हैं। थाली नहीं बजाए थे ना, मतलब मोदी जी का बात नहीं माने थे आप? नहीं, क्यों मानेंगे, हमको अपनी स्वतंत्र है। ये बड़ी बात है, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी भगवान है, किसी का बात मान लेंगे? कोरोना में आप थाली नहीं बजाए थे? काला थाली बजाएंगे, अंधभक्त बजाया होगा, हम लोग ने बजाए तो। अच्छा, मेरा सवाल है कि राहुल गांधी बोले हैं कि मिडिल क्लास को हलवा दिया गया, बात सही है? सही तो दिया गया, सही दिया गया। बिहारी को देखिए ना, क्या मिला बिहार को? बिहार को एक्सप्रेसवे मिला, बाढ़ पे मिला, कॉरिडोर। आज ही समस्तीपुर में देखे दो ट्रेन अलग हो गया है। हाँ। रेल दुर्घटना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, क्या एक्सप्रेसवे दे रहे हैं? जब एग्जाम होता है बिहार में, कहीं भी एग्जाम होता है, स्टूडेंट ठूस ठूस के जाता है। अच्छा। उस समय स्पेशल ट्रेन नहीं दिखता है, और चीज में स्पेशल ट्रेन निकाल देते हैं। बस मोदी जी बिहार मतलब युवाओं के साथ ठगा है। जैसे 2014 में आए थे मोदी जी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे और 15-15 लाख रुपया देने का वादा किए थे। अच्छा, राहुल गांधी का बात कितना प्रतिशत सच है? प्रतिशत में दे तो। प्रतिशत? हाँ। 75% सच है राहुल गांधी बोले। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कहीं नहीं मिला, उस क्राइटेरिया पे नहीं आता ऐसा कहा गया। नहीं आता है, मतलब बिहार मजदूरी रहेगा हमेशा, मजदूरी रहेगा। हाँ? मतलब मोदी जी चाहते हैं कि बस बिहार मजदूर रहे। हाँ। और मेरा गुजरात मतलब विकसित होते रहे। बस मोदी जी बिहार को समझ लिए वोट बैंक। हाँ। जब चुनाव होता है तो मोदी जी उतर जाते हैं। अच्छा। भाषण दे के हिंदू मुस्लिम करके वोट लेकर चल जाते हैं। जब विकास की बात आती है तो उसको सिर्फ गुजरात सुधरता है, गुजरात दिखता है। मतलब भेदभाव हुआ गुजरात और बिहार में? हाँ बोलिए। जितना भी भगोड़ा है मैडम सब गुजराते का है। भगोड़ा गुजरात का है? सब भगोड़ा गुजराते का है। अच्छा, चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे, बताएगा। राहुल गांधी बोले हैं कि मिडिल क्लास कोरोना में थाली बजाया, लाइट जलाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी तो खुद मतलब कुछ बोलने लायक नहीं है। कैसे, नेता प्रतिपक्ष है? नेता प्रतिपक्ष है किसी के आशीर्वाद स्वरूप, अनुकंपा पर नेता प्रतिपक्ष है। अनुकंपा पे हैं? नेता प्रतिपक्ष की योग्यता नहीं रखते, अनुकंपा पे हैं, क्योंकि उनके दादा, उनके दादी, उनके पिता मतलब एक परिवारवाद के नमूना है वो। हाँ। और उसी नमूने के फल स्वरूप वो विपक्ष के नेता है। अच्छा, हमको एक बात बताइए। अच्छा, हमको एक बात बताएगा, परिवार के ही दम पे क्या नेता प्रतिपक्ष बने या फिर चुनाव? परिवार के बल पे चुनाव, चुनाव अगर उनको है। हाँ। अगर राहुल गांधी चुनाव जीतना चाहते हैं। हाँ। तो क्यों नहीं आके लड़ जाते हैं बिहार के मधेपुरा से आके लड़ जाएं और चुनाव जीत के दिखा दें? इस बार तो दो जगह से लड़े, दोनों जगह से जीत गए। अरे इस बार जनता को गुमराह करके जीत गए। हाँ, खटाखट के चक्कर में जनता गुमराह हो गया। अच्छा। और उसी खटाखट के चक्कर में 99 के चक्कर में पड़े हैं। क्या बोल रहे हैं? जैसे 15 लाख में हो गया, 15 लाख खटाखट के चक्कर में 99 के चक्कर में है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, 1 सेकंड बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, बिहार के अंदर पिछले कितने सालों से एनडीए की सरकार है बताइए?
18 वर्षों से एनडीए की सरकार है, एक मिनट सुनिए ना, लेकिन बिहार में जो अभी सत्ता में है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये बिहार के लिए अभी साफ है। राहुल गांधी सदन में बोले हैं कि जो मिडिल क्लास थाली बजाया उसको इस बजट में कुछ नहीं मिला। आप 2019 को पकड़ के कब तक बैठे रहेंगे? 2024 का जो बजट है उसमें बात क्यों नहीं करते? उसी पे बात करें। आप मुझे बताइए रेलवे के अंदर बिहार को कितने हजार करोड़ का बजट मिला है, मुझे बताइए बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, बताइए आप मुझे। नहीं, वन सेकंड, कितने हजार कर, वन सेकंड, नहीं भैया ऐसे नहीं होता। बिहार को पूरा 58,900 करोड़ मिला है। ठीक है, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, वन सेकंड, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है अब मुझे बताइए ना, बिहार की पॉपुलेशन कितनी है? राउंड फिगर में 15 करोड़। आज इंडिया के हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ हैं। और बंगाल को कितना बजट मिला? 15,000 करोड़ रुपए। अब बिहार का बजट कैसे कह रहे हैं? और महाराष्ट्र को कितना मिला? 15-16,000 करोड़ रुपए। आप बिहार का बजट कैसे कह रहे हैं? दूसरा, बिहार को 65,000 करोड़ रुपए स्पेशल पैकेजेस के नाम से मिले, जिसके अंदर एक्सप्रेसवे काउंट है। आप मुझे बताइए लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे कब बना, और आज तक बिहार को एक भी एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला? आपका सवाल बिल्कुल। और इसके साथ मुझे ये बताइए, इस बार ही क्यों दिया गया हमको? वन सेकेंड, मेरी अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुई। पहला मुझे ये बताइए आप मुझे कि आज तक बिहार को क्या गृह मंत्रालय मिला है? फाइनेंस बिल्कुल मिलना चाहिए था। फाइनेंस मिनिस्ट्री आज तक के बिहार के इतिहास में कभी मिला है? बताइए मुझे, कभी मिला हो तो याद हो तो। डिफेंस के अंदर जो है आपको कोई भी, आपको मतलब कि रक्षा मंत्रालय मिला है आपको? याद हो तो बताइए मुझे। आज लखनऊ के अंदर जो है डिफेंस का इतना बड़ा बजट आया, कानपुर के अंदर ऑर्डिनरी फैक्ट्री बनी है, बिहार को क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला बिहार को? बाबा जी का ठुल्लू बिहार को मिला है। फाइनेंस नहीं मिला, ग्रे नहीं मिला, डिफेंस नहीं मिला। नहीं मिला उनसे पूछिए, 14 साल में क्यों खोज रहे हैं? जब तक बिहार में जनता जागरूक नहीं होगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता जागरूक है? नहीं जागरूक है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो जनता को जाति और धर्म के नाम पर भड़काते हैं। और पिछले 34 वर्षों से लालू और नीतीश बिहार के सत्ता पे काबिज हैं, जो कि बिहार के लिए अभिशाप है। जब तक ये दोनों राजनीति से अलग नहीं होंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। जल्दी बिहार के अंदर जातिगत व्यवस्था, देश के अंदर कौन से स्टेट में जातिगत व्यवस्था नहीं है मुझे बताइए? देवगौड़ा जी के साथ जो एनडीए अलायंस है कर्नाटका के अंदर, क्या वहाँ जातिगत व्यवस्था नहीं है? वहाँ लिंगायत नहीं है वहाँ पे है कि नहीं है, मुझे चीज का जवाब दीजिए। दूसरा मुझे ये बताइए, देवगौड़ा जी हैं, उनके जो बेटे मुख्यमंत्री हुए हैं वो क्या परिवारवाद नहीं है? येदियुरप्पा जी है वो परिवारवाद नहीं है? ये लालू यादव के बारे में बोले हैं सरकार के बारे में, वही तेजस्वी यादव 17 साल से नीतीश कुमार था ना, उससे एक वैकेंसी तक नहीं निकला, वही बंदा एक युवा आया 17 महीना में इतना सारा नौकरी, 5 लाख नौकरी दिया। तो आपने जनता के जवाब को सुना कि बिहार को आज तक होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिला, बिहार को आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिला। जनता ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं कि आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला है, राहुल गांधी की बातें कितनी सच है कितना गलत है, इन तमाम सवालों का जवाब जनता ने दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।